सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको पंजाबी कमीज पजामा काट के बताऊंगा। कमीज जिसकी बैक साइड में दो प्लेट होती है और सामने तीन या चार बटन का होता है और बाकी नीचे प्लेट आती है। ये कमीज पजामा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दूसरे स्टेटों में भी पहना जाता है। तो आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, ताकि आसानी से आपकी समझ में आ जाए। दोस्तों, जो ऑनलाइन क्लासेस की लास्ट डेट 30 अप्रैल हमने रखी थी, उसको हम बढ़ा रहे हैं और 10 मई लास्ट डेट हम 10 मई रख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम एपिसोड में हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला है, इसलिए थोड़ा टाइम और देते हैं, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा है या जिन लोगों को मैसेज नहीं मिला है, वो लोग भी 10 मई तक ये एपिसोड देख सके और उनको पूरी जानकारी मिल सके। तो ये 30 अप्रैल लास्ट डेट नहीं है, अब लास्ट डेट 10 मई हमने कर दी है। 10 मई के बाद आपको फॉर्म मिल जाएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कमीज पजामे की कटिंग शुरू करते हैं। कमीज पजामे में 5 मीटर कपड़ा लिया है हमने। ये नॉर्मल साइज के लिए 5 मीटर कपड़ा, अगर हैवी साइज हो तो आप 5.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे करके ये डबल बिछा लिया है, क्योंकि ये किनारी इधर है, इधर किनारी हम रखेंगे और यहां से हमने ये कमीज काटना है, क्योंकि आगे से ये बंद होता है, सिर्फ 3 से 4 बटन का होता है। तो सबसे पहले हम एक लंबाई का निशान लगाएंगे। ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया, आपको नजर आ रहा होगा। अब इसका हम मेजरमेंट लिखते हैं, लंबाई इसकी करेंगे हम 37 इंच, छाती 38 इंच, पेट 36 इंच, तीरा 18 इंच, बाजू 24 इंच और गला 15.5 इंच। इस नाप से हम काटेंगे। अब लंबाई है इसकी 37 इंच, तो ये हम 37 इंच लंबाई ले लेते हैं। अब 37 लंबाई है तो दोनों तरफ से, इधर से भी दबेगा, इधर से 0.25 इंच दबेगा, इधर से 3 सूतियां 1/2 इंच आप मान के चलिए, तो ये 1/4 इंच हम बढ़ा के लेंगे। तो 37 का 1/2 इंच हम ये लंबाई लेंगे। इसकी छाती है 38, 38 का 1/4 कितना हुआ, 9.5। तो क्योंकि ये थोड़ा सा लूज फिट होता है, इसलिए हम शर्ट में या कुर्ते में हम 0.5 इंच कम करते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ 1/2 इंच कम करेंगे। तो ये 9 इंच का हम आर्मोल लेंगे, मुड्ढा लेंगे। ये 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया, तो पहले हम ये निशान लगा लें, उसके बाद पेट का भी निशान लगाएंगे। पेट का निशान वैसे ही लगाएंगे हम, जैसे यहां से 6.5 इंच पे हम जेब लगाएंगे, और 6 इंच की जेब तो उसका सेंटर 3 इंच। ये आप दूसरे कुर्ते कटिंग में भी देख सकते हैं, वही सिस्टम इसका रहेगा। ये 3 इंच पे ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब इस निशान को हम पेट के निशान को भी लगा लेते हैं। अब इसकी छाती है 38 इंच, तो पहले हम ये पट्टी लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पट्टी हम कितनी चौड़ी रखें यहाँ, क्योंकि ये प्लेट आएगी यहाँ सामने में यहाँ प्लेट होती है और 3 या 4 बटन होते हैं, तो ये प्लेट हम कितनी रखें। तो ये प्लेट रखेंगे हम सिर्फ 1/4 इंच की, ये 1/4 इंच की हम प्लेट रखेंगे। यहां से भी सवाल ले लीजिए, बहुत से लोग
डेढ़ इंच चौड़ी भी पट्टी रख लेते हैं इसमें, लेकिन सवा इंच बहुत होता है, सवा इंच का तलपट चढ़ना काफी रहता है। ये यहां से बंद है, ये देख लीजिए बंद है, यहां से किनारी यहां पे है, ये हमारी पट्टी होगी। ये इसको नीचे तक निशान लगा देते हैं हम। अब यहां से हमने तीन बटन का बनाना है या चार बटन का बनाना है, बहुत से लोग तीन बटन का पहनते हैं, बहुत से लोग चार बटन का पहनते हैं। तो अगर तीन बटन का आपने बनाना है तो ये 15 इंच पे, ये 15 इंच पे आप निशान लगा देते हैं। और अगर चार बटन का करना है तो आप इसको 17 इंच पे लगा लीजिए, 17.5 पे लगा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 18 इंच पे आप इसको लगा सकते हैं अगर चार बटन का है था। तो ये तीन बटन का हमने ये 15 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब इसका हम छाती का हिसाब लगाएंगे, 9.5, ये 9.5, और इसमें 2.5 इंच की लूजिंग, क्योंकि ये लूज होता है, 2.5 इंच की लूजिंग है इसमें हम देंगे। ये 2.5 इंच की हमने इसमें लूजिंग दे दी, लूज होता है ये बहुत। अब इसका तीरा है 18 इंच, तो 18 और 1 19, वैसे हम 0.5 इंच तीन तीन सूत दोनों तरफ से लेते हैं, लेकिन ये कमीज के अंदर हम 1 इंच ज्यादा लेंगे, तो 18 और 1 19, वही 9.5 इंच, ये 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इसको हम हल्का सा, देखिए शर्ट में हम यहां से साफ करने के लिए 0.5 इंच पीछे लेते हैं, लेकिन 2 सूत इसमें हम पीछे लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, वो भी इसलिए कि यहां की मुड्डे की शेप अच्छी बने। अब इसको मिला देंगे, ये सिर्फ 2 सूत पीछे मुड्ढे की शेप के लिए हमने लिया है, और इसको हम वही 1.25 इंच गिराएंगे, ये 1.25 इंच हमने गिरा दिया। अब इसका गला है 15.5, गले का वही हिसाब है, एक बटा पांच, यानी गले का 5वां हिस्सा, तो 5 × 15 करीब ये 3 इंच एक सूत ये आएगा, और इतना ही हम यहां से लेंगे। ये हमारा तैयार गला है, ये मैं हर कटिंग में शर्ट की हो, कुर्ते की हो, जो भी हो, सफारी सब में मैं ये बताता हूं कि ये हम तैयार निशान लगाते हैं, लेकिन यहां पे हम काटते नहीं है, हम काटेंगे थोड़ा सा ऊपर, यहां काटेंगे, ये यहां काटेंगे, और जब हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा तब हम, कॉलर हमारा यहां पे आके चढ़ेगा, तब हम कंप्लीट हाला काटेंगे कॉलर की डिमांड के हिसाब से। और ये हमारा, अब हमने यहां से इसको डाउन कर देना है, ये डाउन कर देना है, और ये जो मुड्डा है ये हम इस शेप की वजह, ये जो कम शेप वाली पट्टी है, इस साइड से हम यहां पे ऐसे लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे, और ये हमारा मुड्डा हो गया, ये हमारा कमीज का मुड्डा हो गया। अब इसका पेट है 36, अब पेट का निशान लगाएंगे, 9 × 36, 9 + 2.5 = 11.5, ये 2.5 इंच की लूजिंग है, और ये 9 इंच पेट और 2.5 इंच की लूजिंग। अब इसमें कमीज में हम क्या करते हैं कि इसको हम ज्यादा बाहर नहीं निकालते, कुर्ते के हिसाब से इसका घेरा नहीं लेते, इसका घेरा हम चेस्ट के हिसाब से लेंगे, ये जितना भी है, अभी देखिए यहां तक ये 13 इंच है, ये 13 इंच है, 13.25 इंच है, तो हम यहां पे थोड़ा सा बढ़ा के शेप के लिए बढ़ाएंगे, सिर्फ यहां पे हम 13.5 भी ये निशान लगा लेंगे। और अब इस कम शेप की पट्टी से इससे हम ये निशान लगाएंगे, ये देखिए ये एक्यूरेट अपने आप निशान पे आ गई है पट्टी, ये हमारा ये हो गया। अब इसको हम हल्की सी, जो हमने सेफ के लिए 2 सूत पढ़ाया था, उसको हम 2 सूत वापस करके सीधा कर देंगे। ये सेफ के लिए हमने बढ़ाया था यहां से 13.25, यहां से हमने 13.5 लिया था, लेकिन उस 2 सूत को हमने सेफ करके वापस कम कर दिया। ये हमारा हो गया, इसका गला 15.5 हम लिख देते हैं, और एक जेब, अब जेब के निशान हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक साइड जेब लगती है, लेकिन फिर भी निशान तो लगाने पड़ेंगे ना। अब यहां से
ये 6.5 इंच के हम जेब का निशान लगाएंगे, ये 6.5 और ये 6 इंच की कम से कम ये मुंह होगा इसका जेब का। अगर ज्यादा हैवी साइज है आप 6.5 इंच की भी जेब लगा सकते हैं और यहां से 7 इंच पे भी लगा सकते हैं, 6.5 पे भी लगा सकते हैं, और हल्का साइज हो तो आप 6 पे भी लगा सकते हैं जेब का निशान। ये हो गया और ये 3 इंच का हमने घेरे के लिए खोल दिया, यहां से हमारा घेरा खुलेगा और यहां से हम अब इसको राउंड शेप करेंगे। ये देखिए अब राउंड कहां से चलना चाहिए, ये घेरा है, ये इसकी लंबाई है 14.5 यानी 7 से 1 सूत कम पे। इसके जेब के नीचे ये जो सबसे नीचे वाला बंद का निशान है जहां से घेरा खुलेगा वहां से ये देख लीजिए कितना है, ये करीब 13.5 ही है, तो 7.5 पे ये निशान लगाएंगे। यहां से आपने इसकी गोलाई करनी है घेरे की, अब इसको मैं थोड़ा सा पक्का निशान लगा देता हूं। ये आपका घेरा हो गया, इसका फ्रंट हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, बाकी बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।